सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। भरोसा अगर खुदा पे है तो जो लिखा तकदीर में वो ही पाओगे। भरोसा अगर खुद पे है तो खुदा वो ही लिखेगा जो आप चाहोगे। एक किसान ने अपने खेतों में लौकी की बेल लगाई। बेल की एक लौकी को जब वो बहुत छोटी थी, किसान ने उसे एक बोतल में डाल दिया। बेल की सारी लौकियाँ अपने समान आकार में बढ़ने लगी, पर बोतल वाली लौकी सिर्फ उतनी ही बड़ी जितना बोतल का आकार था। हम सब जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि बोतल की दीवारें लौकी के लिए हद बन गई और अपने हदों से ज़्यादा लौकी बढ़ नहीं पाई। दोस्तों, अक्सर हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हम अपने सोच के दायरों से ज़रा भी आगे नहीं बढ़ पाते। विलियम शेक्सपियर ने कहा है, जीवन सोच के अलावा कुछ नहीं है। हेनरी फोर्ड कहते हैं, यदि आपको विश्वास है कि आप कर सकते हैं तो आप कर लेंगे, और अगर आपको अपनी असफलता पर विश्वास है तो आप सही हैं। सच में बात तो बस विश्वास की है। हमें खुद पे कितना भरोसा है, हमें अपनी सोच के दायरों को तोड़ना होगा। यदि हम ये दायरों को तोड़ के बाहर आ जाएंगे तो हम वो सब हासिल कर सकते हैं जिनके हम सपने देखते हैं। दोस्तों, अगर हमें ही अपने काम पर और अपनी चुनी हुई राहों पर भरोसा नहीं है तो कोई और कहीं से नहीं आएगा जो हमें आगे तक ले जाएगा। दोस्तों, याद रखो, हम में एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जिससे हमारा कोई भी बड़ा से बड़ा काम आसान हो जाता है, और वो है आपका विश्वास। इसलिए खुद पर भरोसा करके तो देखिए। कोलंबस जब अपने दल के साथ एक नई दुनिया की खोज में निकले थे तो इस आत्मविश्वास के साथ निकले थे कि वो एक नई दुनिया की खोज करके ही लौटेंगे। उनके आत्मविश्वास ने उनके अंदर इतना जोश भर दिया था कि उन्हें यकीन था कि वो अपने मिशन में कामयाब जरूर होंगे। यात्रा आरंभ हुई और जब राह में रुकावटें आने लगी तो उनके साथी घबराए। कोलंबस से बोले, वापस लौट चलो, कुछ हासिल होने वाला नहीं है, जान से भी हाथ धो बैठोगे, खुद तो डूबोगे ही और हमको भी डुबाओगे। मगर कोलंबस ने उनकी एक भी नहीं सुनी। उन्हें तो बस भरोसा था कि वो एक नई दुनिया की खोज करके ही लौटेंगे। कुछ समय और बीता और उनके साथी और बेचैन हुए। कोलंबस से बोले कि हम सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, मरो और अकेले ही जाओ। मगर कोलंबस को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपने इरादों से नहीं हटे। कोलंबस को एहसास भी होने लगा था कि उसे जान से मारने की साजिश होने लगी है, मगर कोलंबस के अंदर विश्वास था कि एक ना एक दिन उनको उनकी मंजिल जरूर मिलेगी। और ऐसा ही हुआ। एक दिन जलपोत की छत से उन्हें एक रोशनी दिखाई दी। वो चिल्लाए, हमने अपनी मंजिल पा ली है और हम सफल हुए हैं। अब बात करते हैं एडिसन की। सोचिए, उन्हें खुद पे कितना भरोसा होगा। एडिसन बल्ब बनाने के अपने प्रयोग में 10,000 बार फेल हुए। 10,000 बार वो एक बार असफल हुए, दो बार असफल हुए। चलिए ऐसे गिनती करते हैं, पूरे 10,000 बार। हम 10,000 बार गिनती करते करते थक जाएंगे, निराश हो जाएंगे, पर एडिसन 10,000 बार असफलता से गुजरे। फिर ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने उन्हें एक बार और प्रयास करने को उत्साहित किया होगा? ऐसी कौन सी पावर थी जो उनमें ऊर्जा भर रही थी? इतनी असफलता के बाद भी वे अपने इरादे में अडिग रहे, और वो जादुई शक्ति थी आत्मविश्वास की। उन्हें खुद पे इतना भरोसा था कि वो देख पा रहे थे एक बल्ब को जलते हुए, रोशनी देते हुए, संसार को प्रकाशित करते हुए, और उनका भरोसा लाजवाब था। तो सोचिए, अगर वो हार मान लेते तो क्या होता? सोचिए, कोलंबस अगर हार मान लेते तो क्या होता? दुनिया ऐसी कई उदाहरणों से भरी पड़ी है।
जिनके सामने कठिन से कठिन परिस्थितियां आई, परेशानियां आई, पर वो सब अडिग रहे अपने विश्वास पे। चलिए खुद से प्रश्न करते हैं, हम अपने आप से चाहते क्या हैं? हम जो चाहते हैं उसके बारे में हमारा मन क्या कहता है? अगर हमारे मन में ये विश्वास है कि हम जो चाहते हैं उसे हम पूरा कर लेंगे, तो यही तो आत्मविश्वास की अद्भुत शक्ति है। और इसे हमेशा बनाए रखें, खुद पे भरोसा रखिए, फिर जीत हमेशा हमारी होगी और सफलता हमारे कदम चूमेगी। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।